हे गाइस नमस्ते, जय हिंद। मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि कई बार आपको बता चुका हूं कि इस प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बात होती है, मैं जो फील करता हूं, मैं जो मार्केट में एक्सपीरियंस लिया हूं, वो सब आपके साथ शेयर करता हूं। ये जितने भी आपके साथ मैंने ये कॉन्सेप्ट्स ट्रेडिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड हैं जो मैं शेयर करता हूँ, ये सब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। कुछ टॉपिक्स हैं जिसको मैं पढ़ के शेयर करता हूँ और उसको अप्लाई करके आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं और सीखते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग, इसके बारे में हम लोग जानते हैं, क्योंकि ये बहुत इसेंशियल एलिमेंट्स हैं, बहुत इसेंशियल कंपोनेंट्स हैं अपने ट्रेडिंग के लिए। हमें इसको भूलना ही नहीं चाहिए। अगर हम बात करते हैं ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग में जो ट्रेंड होता है वो ट्रेंड कितना है, जब मार्केट नॉन ट्रेडिंग जोन में रहती है तो कितने परसेंट रहती है, इस सब कुछ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज। सो इस वीडियो को पूरा वॉच करना, इसमें बहुत कुछ सीखने वाले हो आप लोग। जैसा कि आप देख सकते हो कि लैक ऑफ मेथोडोलॉजी, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप मार्केट में नए हो या एक्सपीरियंस हो, मार्केट में कोई फर्क नहीं करती। अगर आप जो भी ट्रेड सेटअप लेकर बैठे हो वो अगर आप प्रॉफिट दे रहा है, तो अगर वो ट्रेड सेटअप कभी आपको लॉस दे तो उसको चेंज नहीं करना है, उसको क्या करना है, उसको रिफाइन करना है, क्योंकि यही एक ऐसा ट्रेड सेटअप था जो आपको प्रीवियस में पैसा बना के दिया हुआ था। तो आपके पास जब भी हम लोग ट्रेडिंग करें, जैसे इनफैक्ट मैं अपनी ट्रेडिंग करता हूं, तो मेरा एक ही ट्रेड सेटअप होता है इलियट वेव। इलियट वेव एक ऐसा ट्रेड सेटअप है जिसको आप ना कई बार मुझको मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है इसको छोड़ नहीं सकते। तो आपके पास कुछ इसी तरह का ट्रेड सेटअप होना चाहिए। आप कोई भी स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हो, कोई भी ट्रेड सेटअप ले सकते हो, लेकिन उसका कम से कम तीन महीना, मिनिमम तीन महीना उसका एक बैक टेस्टिंग होना चाहिए। बैक टेस्टिंग का मतलब ऐसा है कि डेमो ट्रेड नहीं होना चाहिए और ना वो पेपर ट्रेड होना चाहिए, वो रियल ट्रेड होना चाहिए। रियल ट्रेडिंग करने, अगर ट्रेडिंग में एक्सपर्ट बनना है तो रियल ट्रेडिंग में विश्वास करो, छोटे छोटे क्वांटिटी में ट्रेड करो, लेकिन रियल ट्रेड करो, पेपर ट्रेड और डेमो ट्रेड से दूर रहें। अब बारी आती है कि जो ट्रेडिंग की मेथोडोलॉजी है, जो ट्रेड सेटअप है अपना, कैसा होना चाहिए। वो ऐसा होना चाहिए जो कम से कम मिनिमम 40% का रिटर्न दे सके। अगर वो ट्रेड सेटअप आपके पास है तो आप मार्केट में इंटर करें और वो आपको पैसा देगा, वो आपको पैसा डेफिनेटली देगा, ठीक है। अब बात करते हैं लैक ऑफ डिसिप्लिन की। लैक ऑफ डिसिप्लिन का मतलब यह हुआ, अगर आपके पास मेथोडोलॉजी है, बढ़िया ट्रेड सेटअप है, आपके पास बहुत बढ़िया ट्रेड सेटअप है, तो अब बारी आती है डिसिप्लिन की। अब उस डिसिप्लिन को फॉलो करने के लिए, उस चीज को स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए आपको इसके साथ क्या करना होगा, इसके साथ आपको बैठना पड़ेगा मार्केट में। अगर इस ट्रेड सेटअप में लॉस हो रहा है तो डिसिप्लिन ये कह रहा है कि आपको निकलना है। यहां पर आपका जो ट्रेड सेटअप था वो कई बार, कहीं आपने कभी भी आपने ट्रेडिंग करते वक्त अपने लालच को और अपने डर को टेस्टिंग नहीं किए हो। अब कितने भी एक्सपर्ट हो, कितने भी बड़े एक्सपर्ट हो, डर और लालच का कोई पैरामीटर नहीं होता। डिसिप्लिन जो है हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। डिसिप्लिन का मतलब है कि मार्केट अगर हमें लॉस दे रहा है तो हमें उसको एक्सेप्ट करना होगा। हमें पोजीशन साइज हमें बढ़ानी है, घटानी है, वो सब कुछ मार्केट ही डिसाइड करता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जब आप प्रॉफिट में इंटर कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करना स्टार्ट करें, या फिर आपको लगता है कि मेरा एक सफिशियंट परसेंटेज वाइज मेरा टारगेट है तो उस टारगेट को मैं फिक्स करके रखूं। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मैं कभी कभी ऑप्शन का ट्रेडिंग करता हूं। मैं मना करता हूं उन लोगों को, मैं अपने स्टूडेंट को सबको मना करता हूं, बट मैं कभी कभी करता हूं। तो मेरा एक डिसिप्लिन है, मेरा डिसिप्लिन यह है कि अगर मेरे को ट्रेडिंग करते वक्त 7 से लेकर अगर 10% का रिटर्न मिल रहा है इंट्राडे में, ऑप्शन के ट्रेडिंग में मैक्सिमम एक्सपायरी के वाले दिन करता हूं, तो अगर इतना भी रिटर्न मेरे कैपिटल में मिलना शुरू हो गया, मतलब आना शुरू हो गया, मैं पोजीशन काट देता हूं। ये मेरा डिसिप्लिन है।
पूरे वीक में नहीं करूंगा, पूरे मंथ में एक या दो बार ट्रेड सेटअप मिलता है तो मैं उसको करता हूं। ये मेरा डिसिप्लिन है। मेरे ट्रेड सेटअप पर अगर मेरे ट्रेड सेटअप जैसे कोई प्राइस टूटा और ये इंपॉर्टेंट हाई है और ये इंपॉर्टेंट लो है, तो अगर मेरा रिटर्न अगर प्राइस यहां से बाउंस बैक कर रहा है तो कितना परसेंट रिटर्न दे सकता है, जाने को तो 38.2% जाता है मिनिमम। इसके बावजूद भी अगर मेरे इक्विटी ट्रेड पर अगर मुझे 3% से लेकर अगर 5% का अगर प्रॉफिट हो रहा है तो मैं उस स्विंग ट्रेड को क्लोज कर देता हूं। आप भी इस सेटअप को फॉलो कर सकते हो। इक्विटी ट्रेडिंग करो तो कम से कम 3 से 5% का ट्रेड सेटअप को डिसिप्लिन को फॉलो करो। ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो क्योंकि उसमें काफी वोलेटिलिटी होती है, तो आप 7% मैक्सिमम 7% से लेकर 10% तक मैक्सिमम आप ट्रेड सेटअप ले सकते हो, ट्रेड ले सकते हो, रिटर्न ले सकते हो आप। ठीक है, तो ये डिसिप्लिन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस की। देखो, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन नेचर ये कहता है कि आपके पास, आप जब मार्केट एंटर करते हो, कई बार मतलब मैं भी शुरू में जब मार्केट में एंटर किया था तो कभी 10,000 5,000 कभी इस तरह से इनकम होने लगते हैं ना, तो एक ट्रेडर के ह्यूमन नेचर के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब वो प्रॉफिट में एंटर करने लगता है तो उसको बड़े बड़े सपने दिखाई देने लगते हैं। ये प्लान वो प्लान ऐसा वैसा, कभी इतना इनकम कर लेंगे, कभी वैसा कर लेंगे, कभी ये कर लेंगे, कभी वो कर लेंगे, तो बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड क्या होते हैं, प्लान हो जाते हैं। ये मार्केट है, मार्केट आपको उतने ही रिटर्न देगा जो आपका ट्रेड सेटअप कह रहा है। मार्केट हमारे सोचने से और आपके सोचने से रिटर्न नहीं देने वाला है, लेकिन हम ट्रेडिंग करते वक्त हम क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं फ्यूचर का कि इस बार इतना इनकम करेंगे। मैं एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट में एक प्रैक्टिकल बात करूंगा कि पूरे एक साल ट्रेड करो, 1,00,000 रुपए रखो। आज मैं एक टास्क दे रहा हूं, ये 1,00,000 रुपए हैं, ठीक है, ये 1,00,000 रुपए हैं, ठीक है, इस 1,00,000 रुपए को पूरे एक साल तक बचा कर रखना है, नो लॉस। अगर ये पूरे एक साल इस कैपिटल को अगर आपने बचा दिया तो दूसरे तीसरे साल से आप बढ़िया ट्रेडर बन जाओगे। एक साल हम, यही एक रियलिटी है। अगर आप इस मार्केट में हो और इस मार्केट में अगर आपने वो 1,00,000 रुपए बचा दिया अपना, तो आप इस क्राइटेरिया को क्रॉस कर चुके हो। दोबारा फंड डालने की जरूरत ना पड़े ट्रेडिंग अकाउंट में। पूरे एक साल की टास्क है ये, पूरा एक साल आपको 1 रुपया उस ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं डालना है और लास्ट में आपको ये 1,00,000 रुपए दिखाई देना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, आज 10,000 है, कल 5,000 आएगा, कभी 20,000 आएगा, कभी 30,000, कभी 40,000, 50,000, इस तरह के सपने बना लेते हैं, उस तरह का प्लान बनाने लगते हैं और अंत में क्या आता है, पता चला कि ट्रेडिंग अकाउंट ही साफ हो गया जी। क्या हम पढ़कर और सीख के समझ के क्या किए, अल्टीमेट जीरो हो गया। तो आज से एक टास्क बनाओ कि जो भी फंड इस वक्त पड़ा हुआ ट्रेडिंग अकाउंट में उसको 1 साल तक बचा के रखना है। 1 साल तक मतलब उसको सेफ रखना है। ट्रेडिंग करते रहो, कैपिटल ग्रोथ करते रहो, लेकिन अपना जो कैपिटल है उसको बचाना सीखो। ठीक है, अब हम बात करते हैं लैक ऑफ पेशेंस की। लैक ऑफ पेशेंस का मतलब यह हुआ कि देखो, ये ट्रेडिंग है और ट्रेडिंग में हमारे और आपके एक्सपेक्टेशन से मार्केट नहीं चलता। ठीक है, एक बार लॉस हो गया तो मेरे दोस्त ऐसा नहीं है कि मार्केट खत्म हो जाएगा। आज अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, कल मिलेगी, कल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, नेक्स्ट वीक मिलेगी, नेक्स्ट वीक अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो अगले मंथ मिलेगी। लेकिन आपको उस अपॉर्चुनिटी को वेट करना होगा, बाई सेल सिग्नल के लिए आपको पर्टिकुलर वेट करना पड़ेगा। अगर आप वेट नहीं कर पा रहे हो तो लैक ऑफ पेशेंस के शिकार हो चुके हो। और यहां पर जब हम ट्रेडिंग करते हैं, या फ्रेशर या फ्रेशर कह लें या एक्सपीरियंस है, हमें क्या चाहिए, डेली हमें ट्रेड चाहिए। तो एक कहावत है, डेली ट्रेडिंग एंड डेली ईटिंग बोथ आर हैजार्डस फॉर हेल्थ एंड वेल्थ। अगर डेली ट्रेडिंग करोगे तो वेल्थ जाएगा और डेली ईटिंग करोगे तो हेल्थ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप इन सब रूल्स को फॉलो करोगे और इस गाइडलाइंस को अप्लाई करोगे अपने ऊपर और बताओगे कि कैसा रहा एक्सपीरियंस। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, अगले वीडियो में मिलूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।